मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 14.3 करनी है एंड दिस इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। जो आपने अब तक करा है उन सबकी रिवीजन है इस एक्सरसाइजेस में, कुछ भी न्यू नहीं है, नॉट इवन इन द 14.3, नॉट इन 14.4। दोनों एक्सरसाइजेस दे आर द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। मोर ओवर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कल करा था उसकी अब हम रिवीजन करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू एक्सरसाइजेस, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, आई मीन हमें इसको बोला है क्वेश्चन वन में, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें डिवाइड करना है इनको, राइट। हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स बना के जहां जहां जो जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देंगे, डिवीजन हो गई। अगर आप यहाँ पे देखो तो 28 1s are 28 2s are 56 होता है, राइट। सो ये आपके पास बन गया 1/2। नाउ यहाँ पे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी लगा सकते हो या वैसे भी कट कर सकते हो। यहाँ x रेज टू पावर 4 है, यहाँ x रेज टू पावर 1 है, सो ये बन गया x रेज टू पावर 4 - 1, दैट इज 1/2 x रेज टू पावर 3। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, जस्ट पुराने टॉपिक्स जो हमने करे हैं उसकी ही रिवीजन है, राइट। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 11 1s are 11, 11 6s are 66, तो ये 6 आ गया, राइट। पी अकेला है ऐसे ही रहेगा, क्यू की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 2 - 1 आ जाएगी, आर की पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है तो 3 - 2 आ जाएगी। सो ये बन गया 6PQR, बिकॉज 2 - 1 is 1, 3 - 2 is again 1, सो आंसर इज 6PQR। आई थिंक इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपको ना समझ आए, बहुत सिंपल है। आप फिफ्थ पार्ट इसका अभी करोगे खुद, डू फिफ्थ पार्ट योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट करके आप अपना हैंड रेज कर लोगे, जिनका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा दे विल रेज देयर हैंड्स, और आशा मैम उनमें से किसी एक स्टूडेंट को रेंडमली अनम्यूट कर देंगे एंड ही और शी विल आंसर। फिफ्थ पार्ट वेरी सिंपल, जिनका होता जा रहा है रेज योर हैंड सो दैट आशा मैम एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर देंगे। आशा मैम किसी एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर दो प्लीज। Yes, Salil, speak out. Very good. -2 a raised to power 2, b raised to power 4. Because 6 और 2 की कटिंग हो जाएगी, 6 1s are 6, 6 2s are 12। बच्चे जरूरी नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे माइनस करके लिखा है आपको लिखना, आप ओरली भी देख सकते हो। 2 raised to power 8, a raised to power 6, तो a raised to power 2 रह गया, b raised to power 4, तो b raised to power 4 रह गया। ऐसा कुछ जरूरी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको कैलकुलेशन शो करनी है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड इनफ नाउ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, हमें पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। इफ वी कैन सी तो इस ब्रैकेट में ओनली एक्स विल बी अ कॉमन फैक्टर, इन बिटवीन वी आर लेफ्ट विथ 5x - 6, राइट। इन डिनोमिनेटर इट इज 3x, तो x और x की कटिंग हो गई एंड आर आंसर इज 5x - 6/3। ओके, 5x - 6/3। इन द सिमिलर मैनर हम थर्ड पार्ट करेंगे। इफ यू सी इन द न्यूमरेटर हमारे पास कुछ कॉमन है, अगर आप देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मतलब x की पावर 2 कॉमन आएगी, y2 y3 y2, y की पावर भी 2 कॉमन आएगी, z2 z2 z3, z की पावर भी 2 कॉमन आएगी। तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ क्या बच गया z, राइट।
और डिनोमिनेटर में क्या है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये 4 2 8 हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर। सो योर आंसर इज 2 x + y + z। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये, एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है बिकॉज आपने सब कुछ पहले किया हुआ है। अब फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करोगे एंड आई विल आस्क यू कि कैसे करना है। क्वेश्चन टू का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन टू का फिफ्थ पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन टू फिफ्थ पार्ट, इट इज P3Q6 माइनस P6Q3 डिवाइडेड बाय P³Q³, P³ Q³। इसको सॉल्व करना है, पहले न्यूमरेटर में से जो कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन लोगे, लेटर ऑन यू विल डू द कटिंग, आप कटिंग करोगे, आप करने के बाद अपना हैंड रेज करोगे, देन वी अनम्यूट यू, हम आपको अनम्यूट करेंगे और फिर आप आंसर करोगे। ओके, रेज योर हैंड्स जिनका हो गया है। अच्छा मैम अनम्यूट कर दो एक स्टूडेंट को। बच्चे पहले आप मुझे न्यूमरेटर में बताओगे क्या कॉमन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। What's your name? तो हमने क्या किया, यहाँ P3 था, यहाँ P6 था, तो P³ कॉमन आएगी, वहां Q6 था, Q3 था, तो Q³ कॉमन आ गई। इन बिटवीन हमारे पास रह गया Q³, P³, और नीचे दोनों की कटिंग हो गई। तो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, नाउ मैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स लिख रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट पार्ट्स ऑफ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्री, फर्स्ट पार्ट, 10x - 25 अपॉन 5। थर्ड पार्ट, 10y / 6y + 21 अपॉन 5 × 2y + 7। एंड द फिफ्थ पार्ट इज 96abc अपॉन 3a - 12, 5b - 30 अपॉन 144, a - 4 × b - 6। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट इन द न्यूमरेटर यू कैन टेक आउट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, सो यू विल टेक आउट 5, इन बिटवीन यू विल लेफ्ट विद 2x - 5, and in denominator you have 5, so this 5 will cancel out with this 5 and your answer is 2x - 5. All right, similarly in the second part you can see
ये 5 और 10 की कटिंग हो जाएगी, राइट? तो ये आपके पास आ गया 2y, एंड इन द ब्रैकेट यू कैन सी 3 इज अ कॉमन फैक्टर, सो 3 कैन बी टेकन आउट. यू आर लेफ्ट विद 2y+7 डिवाइडेड बाय 2y+7. ओके, सो ये 2y+7 कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज 6y. ओके, टू पार्ट्स आई हैव डन फॉर यू. Fifth part you will do yourself and later on will unmute you and you will answer. Be fast. Be fast. Once you finish with question number 5, you can raise your hands and later on we'll unmute you and you'll answer. जब फिफ्थ पार्ट हो जाएगा तो रेज कर लेना अपने हैंड्स. हरी अप एवरीवन. हरी अप एवरीवन. मैम प्लीज अनम्यूट देम इफ दे हैव रेज देयर हैंड्स. Asha ma'am, please unmute. आपको अनम्यूट करा हुआ है, बोलो मन की रत. गुड मॉर्निंग. रिमूव कर, बहुत ज्यादा आ रही है उससे. यस बच्चे बोलिए. मन की रथ. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, प्लीज लिसन नाउ. नाउ यू कैन सी दैट इन न्यूमरेटर इट इज 96 ABC, एंड फ्रॉम दिस ब्रैकेट यू कैन टेक आउट 3 एज अ कॉमन फैक्टर. 3 बाहर आ गया, अंदर रहेगा a-4. ऐसे यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो और अंदर रह जाएगा a-6. ओके, नाउ इन द डिनोमिनेटर इट इज 144, a-4 एंड a-6, राइट? अब इसकी कटिंग हो जाएगी, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है? 3 4s are 12, 8, राइट? दिस इज 2. तो आपके पास क्या रह गया? 10 ABC. योर आंसर इज 10 ABC. मन की रथ, श्रेयन, कशिश, हैंड्स डाउन प्लीज. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन रेज योर हैंड. अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, फिर मैम आपको अनम्यूट कर देंगे. Next is question number 4. Next is question number 4.